हेलो दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर। आज के दिन हम बात करने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग। काफ़ी सारे लोग जो कि नए नए ऑप्शन मार्केट के अंदर एंटर हुए हैं, आज के दिन हम ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है उस पर हम बात करने वाले हैं, जहां आपको थोड़ा सीरियसनेस की ज़रूरत पड़ने वाली है। आप ऑप्शन मार्केट के अंदर काम करना चाहते हो तो आपको फुल टाइम ट्रेडिंग ही पसंद करना चाहिए, या तो आप फुल टाइम उसमें एक्टिव रह सकते हो तभी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आप ऑप्शन बाइंग करके काफ़ी बार आप अर्निंग भी किया होगा या तो आप करते होंगे, बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ऑप्शन बायर नेवर एग्जिस्ट इन द मार्केट। पूरे साल में एक ही महीना ऑप्शन बायर के लिए रहता है और 11 महीना ऑप्शन सेलर के लिए रहता है। अब हम बात करें ऑप्शन सेलर की, तो आपके पास फुल टाइम काम करना है ऑप्शंस मार्केट के अंदर तभी आपको एक एरिया चूज करना है, बाकी आप पोजिशनल इक्विटी या तो कैश स्टॉक्स के अंदर आप निवेश या तो पोजिशनल इंट्राडे आप वर्क कर सकते हो। बट मेरी राय यही रहेगी कि आप ऑप्शंस के अंदर एग्रेसिव वर्क करना चाहते हो या तो आप लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हो तो आपको फुल टाइम ट्रेडर ही बनना पड़ेगा। दूसरा है कि ऑप्शन मार्केट बायर के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। ऑप्शन मार्केट के अंदर लॉन्गर पीरियड के आप एनालिसिस करते हो तो आप ऑप्शन सेलर को ही अर्निंग करते हुए यानी कॉन्स्टेंट मनी मेकिंग अर्न करते हुए आपको नज़र आएगा। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स आज की डेट में काफ़ी अलग अलग वीडियोस अपलोड किया हुआ है कि ऑप्शन बाइंग के आप कितनी बड़ी कमाई कर सकते हो, बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपको ऑप्शन बायर ऑलवेज लॉस में ही दिखेगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग, तो हमको ऑप्शन सेलिंग नेकेड करनी नहीं है, हमको सेलिंग करनी है विथ हैज। आज हम अलग अलग पांच स्ट्रेटेजी के अंदर डिस्कस करेंगे जहां हम हेज के साथ ऑप्शन सेल करने वाले हैं। सो हम लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्ट्रेटेजी, दैट इज कॉल्ड स्प्रेड स्ट्रेटेजी। उसके बाद हम कोलार के बात करेंगे, उसके बाद हम रेशियो स्प्रेड की बात करेंगे, बुल एंड बियर स्प्रेड की बात करेंगे और कैलेंडर स्प्रेड की हम बात करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल ऑफ द स्प्रेड स्ट्रेटेजी। स्प्रेड स्ट्रेटेजी के अंदर अभी आज के दिन 5 नवंबर के टाइम पे 18,000 लेवल पे अभी निफ्टी कैलेंडरी ट्रेड हो रहा है और हमारा व्यू ऐसा है कि हम मार्केट में इतना बड़ा बुलिश नहीं है कि एक अचानक से नवंबर मंथ के अंदर 400-500 पॉइंट की लगातार वन वे मूवमेंट हमको अपर साइड यानी बुलिश साइड हमको दिखेगी। सो हमारा यहाँ व्यू है कि हम बुलिश नहीं है, हम बियरिश भी नहीं है, बट हम साइडवेज मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो हम ऐसी एक स्ट्रेटेजी कर सकते हैं कि सेल 18,300 स्ट्राइक कॉल ऑप्शन 150 रुपीस पे और बाय किया है 18,500 कॉल 70 रुपीस पे। हमारा यहाँ मैक्सिमम रिस्क रहेगा 120 रुपीस का, क्योंकि दोनों का जो स्ट्राइक गैप है वो 200 रुपीस का है और जो प्रीमियम हमने यहाँ क्रेडिट मिला है वो है 150 माइनस 70, क्योंकि हमने 150 का सेल किया हुआ है ओटीएम कॉल और 1800 500 का जो ओटीएम कॉल है वो हमने हेज के लिए बाय किया है। सो दोनों का गैप है 80 रुपीस का। सो हमारा मैक्सिमम रिस्क होगा 120 रुपीस, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 80 रुपीस। सो बेसिकली यहाँ हम ऑप्शंस के अंदर हमारे पास 4 या तो 5 लाख का कैपिटल है तभी हम यहाँ एक डिसेंट वर्क कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी स्ट्रेटेजी एक लोट में हम करते हैं तो हमको कुछ इतना बड़ा अमाउंट दिखेगा नहीं। हम 10-15 लोट के अंदर एक स्ट्रेटेजी करते हैं तो हमको एक अच्छी डिसेंट अमाउंट देखने को मिलेगी। यहाँ मेन पॉइंट ये है कि हमारा एक तो लॉस प्रीडिफाइंड है, प्रॉफिट भी प्रीडिफाइंड है, हमको सिंपली थोड़ा हमारा व्यू के अनुसार मार्केट परफॉर्म करना चाहिए। मार्केट हमारा अगेंस्ट भी चला जाता है तो हमको इतना बड़ा लॉस झेलना नहीं पड़ेगा। यहाँ आपके पास 5 लाख का कैपिटल है तो आप आराम से 15 लोट का ट्रेड ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के अंदर कर सकते हो। हम बात करते हैं सेकेंड स्ट्रेटेजी की। ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी की सेटअप के बाद हम ऑफ स्ट्राइक पे उसका पे ऑफ निकालेंगे और प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी देखेंगे ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके। बात करते कोलार की। काफ़ी सारे एच एन आई क्लाइंट है जिसके पास अलग अलग स्टॉक्स के एक लोट का पूरा माल केस का शेयर पड़े होते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पर टी सी एस का शेयर मेरे पास 300 पड़े हैं तो मैं ईच एंड एवरी मंथ एक लोट यानी 300 का लोट टी सी एस का मैं सेल करूँगा। आज की डेट में TCS का रेट चल रहा है 3500 और आप यहाँ नेकेड सेल कॉल करना है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी अंडरलाइंग असेट बड़ी अमाउंट की अवेलेबल है।
आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको इनिशियल डेज के अंदर ही रखना है, सेलिंग करनी है। आपको रिजल्ट इवेंट या तो इलेक्शन या तो कोई आईटी रिलेटेड फॉर्म, जो भी सेक्टर रिलेटेड मूवमेंट का जो मंथ है या तो कोई वीक है, वो हमको एक्सक्लूड कर देना है। आपको इनिशियल डेज के अंदर सेल कर देना है 10% दूर का कॉल। सो 3500 का अभी रेट है, सो आप 3800 का कॉल 40-50 के रेट पे इनिशियल मंथ पे अवेलेबल होते हैं वो टाइम पे आप कर सकते हो, और आपको 12,000 रुपीज का प्रीमियम मिल जाएगा, जो कि आपको 1% बन जाएगा आपकी टोटल अमाउंट जो भी आपके पास अंडर लाएंगे उसका। सो बेसिकली कोलार स्ट्रेटेजी का बेनिफिट ये है कि जिन शेयर होल्डर के पास बड़ी अमाउंट के स्टॉक्स अवेलेबल है, वो सेम अंडरलाइन का कॉल आप नेकेड शॉर्ट कर सकते हो, और आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि स्टॉक्स राइज करता है 10%, तो आपका पोर्टफोलियो में भी 10% वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और स्टॉक्स वही के वही रहते हैं तो आपको प्रीमियम पूरा का पूरा मिल जाएगा। सो बेसिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो कॉस्ट ऑफ TCS है वो 400-500 रुपीज से बिलो हो जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको रिजल्ट, फिर आपको कोई सर्टन इवेंट है या इलेक्शन है, ऐसे महीने के अंदर ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी एक या तो दो वीक के लिए एक्सक्लूड कर देनी है। अब हम बात करते हैं थर्ड रेशियो स्प्रेड की, जो कि वीकली एक्सपायरी के दिन हमको ये यूजफुल होने वाली है। पर्टिकुलर हम वीकली एक्सपायरी के दिन है ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी हम यूज करने वाले हैं। आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज्यादातर यूज कर सकते हो, आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो, बट बेसिकली मेरी राय यही रहेगी कि आप इनिशियल डेज के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी में पहले ट्राई करो, और उसके बाद आप स्टॉक्स के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। यह लॉजिक ये है कि आपको नजदीक वाला ऑप्शन बाय करना है और दूर वाला दो ऑप्शन सेल करना है, और दोनों जो स्ट्राइक्स का गैप है वो आपका मुनाफा रहेगा। ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी आप अप्लाई करते हो तो आपको पूरे दिन स्क्रीन के सामने ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि अचानक से कोई भी मूवमेंट आ जाती है तो आपको जल्दी से आपका जो भी प्रॉफिट मिल रहा है वो उसको काट लेना है। या उसका पे ऑफ की हम बात करें तो 18,000 पे अभी निफ्टी चल रहा है, 18,150 का हमने कुल एक लोट बाय किया और दो लोट 18,300 का सेल किया, 12 में बाय किया 14 रुपीज, यानी 77 का दो कॉल हमने बेचा, यानी हमारा 2 रुपीज का नेट क्रेडिट इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में हमको मिला है। सो बेसिकली आप ये पर्टिकुलर जो स्ट्रेटेजी हो, आप 50-100 लोट के अंदर आप काम करते हो, और वीकली बेसिस पे आप एवरी थर्सडे पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हो, तो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी मंथ के अंदर ऑलमोस्ट 2% का रिटर्न इजिली मिल जाएगा, और आपके जो भी स्ट्रेटेजी आपने फॉर्म की हुई है वो स्ट्रेटेजी के साइड के अंदर मूवमेंट आती है। समझो 18,000 का अभी रेट चल रहा है और अचानक से निफ्टी के अंदर कोई एक बड़ी तेजी आ गई और 18,200 बन जाता है, तो आपका जो बाइंग वाला कॉल है वो इन द मनी हो जाएगा और उसकी वैल्यू इंक्रीज होने लगेगी, और आपका जो OTM कॉल है वो एक्सपायर हो जाएगा 00 पे। या तो बड़ी मूवमेंट पे आपको ये जो स्ट्रेटजी है उसमें आप 5-6 रुपीज अगेन क्रेडिट लेके, यानी समझो 18,200 हो जाता है तो कॉल की वैल्यू नियरली 60 हो जाती है, क्योंकि 50 इंट्रिंसिक वैल्यू और 10 टाइम वैल्यू हम काउंट करते हैं, तो 60 रुपीज का वैल्यूएशन 18,150 कॉल का हो जाएगा, और उसके सामने 18,300 का कॉल की वैल्यू नियरली 5 या तो 6 रुपीज के अराउंड ही होगी। सो वो टाइम पे आपको जो भी अमाउंट 30-40 रुपीज एडिशनल मिल रहे हैं, यानी जो हमने रेशियो स्प्रेड किए उसमें आपको क्रेडिट मिल रहा है, जो आपका कॉल बाइंग हुआ इन द मनी हो गया है, उसकी वैल्यू आपको ऑप्शन सेलिंग के साथ काट लेनी है। सो बेसिकली ऐसी स्ट्रेटेजी आप वीकली एक्सपायरी के दिन ही आप कर सकते हो, और एवरी वीक आप बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर एक शानदार स्ट्रेटेजी के रूप में आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हम बात करें कि आपको ऑलवेज 1:2, यानी एक बाय करना है 2 सेल करना है, और आपको क्रेडिट मिलना ही मिलना है। आप जो भी ऑप्शन बाय कर रहे हो उससे ज़्यादा सेल की वैल्यू आनी चाहिए, और 2 स्ट्राइक का ग्रेप मिनिमम 100 पॉइंट का रहना ही रहना चाहिए। उसके बाद हम बुल और बियर स्प्रेड की बात करें तो 18,000 पे अभी निफ्टी चल रहा है, 18,100 की कॉल हमने सेल की, 18,200 की हमने कॉल बाय की, और दोनों बाय सेल करने के बाद हमको 35 रुपीज का क्रेडिट मिला। सेम वे हमने पुट साइड 17,900 की पुट और 17,800 की पुट हमने बाय और सेल की, और उनमें से हमको 30 रुपीज का क्रेडिट मिला। सो कहने का मतलब ये है कि हमने कॉल साइड नजदीक वाली कॉल सेल की और दूर वाली कॉल हमने बाय की, पुट साइड हमने नजदीक वाली यानी जो रेट चल रहा है उसकी नियर हमने सेल की। सो बेसिकली हम यहाँ टाइम वैल्यू
इट करने का ही प्रयास कर रहे हैं, ज़्यादा हम टाइम वैल्यू बेच रहे हैं और कम हम हेज के लिए बाय कर रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ आपका मैक्सिमम लॉस होगा 35 रुपीज़ का। कोई भी एक साइड बड़ी मूवमेंट आ जाती है तो आपको 35 रुपीज़ का मैक्सिमम लॉस रहेगा और मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा 65 रुपीज़ का। बट कंडीशन ये है कि मार्केट की जो मूवमेंट है वो नियरली 17,950 और 18,150 के बीच, यानी 200-300 पॉइंट की गैप में ही रहनी चाहिए। ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी आप वाइड भी कर सकते हो। आप 18,200 की कॉल बाय करके 300 या तो 400 की बेच सकते हो। सो बेसिकली आपको आपकी डिमांड के अनुसार ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो। बट बेसिकली मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि बुल और बियर स्प्रेड की एक शानदार स्ट्रेटेजी है जहाँ आप मैक्सिमम टाइम वैल्यू गेन कर सकते हो। बेसिकली जब भी VIX लो लेवल पे ट्रेड करता है तो वो टाइम पे ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी अच्छी खासी वर्क करती है, क्योंकि उसमें वोलेटिलिटी डिक्रीज हो जाती है। जब भी वोलेटिलिटी इंक्रीज भी हो जाती है तो भी ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी अच्छी यूजफुल हो सकती है। बट वो टाइम पे आपको जो स्ट्राइक का ग्रेप यहाँ 100 का है वो आप 200-300 पॉइंट दूर का भी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ टाइम वैल्यू ज़्यादा रहती है और ऑल ऑफ सडन मूवमेंट आने का भी चांसेस ज़्यादा रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं कैलेंडर स्प्रेड की। तो कैलेंडर स्प्रेड के अंदर हमको करंट एक्सपायरी का कोई ऑप्शन सेल करना है और नेक्स्ट एक्सपायरी का वही सेम स्ट्राइक का ऑप्शन बाय करना है। बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट यही रहता है कि हमको करंट मंथ का जो ऑप्शन सेल किया हुआ है उसमें हमको ज़्यादा थीटा वैल्यू मिलेगा। और यहाँ एक बिगेस्ट रिस्क यही रहता है कि हमने जो नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शन लिया है उसमें वेगा वैल्यू ज़्यादा रहती है और थीटा वैल्यू कम रहती है, तो हमको जब भी वोलेटिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो वो टाइम पे हमको वेगा लॉस ज़्यादा आ सकता है। अब हम वन बाय वन प्रैक्टिकली हम ऑप्शन की प्रैक्टिकल की बात करें तो यहाँ हम स्प्रेड स्ट्रेटेजी की बात करें तो यहाँ हमने 18,300 का एक कॉल बेचा हुआ है, 18,400 का एक कॉल बाय किया हुआ है। सो यहाँ प्रोबेबिलिटी आप देखते हो तो 74% दिख रही है और आपका यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट 1200 रुपीज़ का बन रहा है और आपका मैक्सिमम लॉस है 3750 का। जहाँ आप कोई भी व्यू बेस्ड स्ट्रेटेजी करती हो तो आपको 1:2 के अंदर रिस्क के अंदर काम करना पड़ेगा। यहाँ एस्टिमेटेड मार्जिन है 21,000 रुपीज़ का। सो बेसिकली यहाँ आपके पास 5 लाख का कैपिटल है तो आप कम से कम 20 लॉट के अंदर यहाँ काम कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आप जब भी यू बेस काम करते हो और आपको यहाँ पे ऑफ मिल जाता है 18,325 तक और उसके बिलो जो भी एक्सपायरी आता है तो आपका यहाँ पूरा प्रॉफिट मार्जिन दिख जाएगा। सो ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के अंदर आप मन चाहे मॉडिफाई भी कर सकते हो। आप 100 रुपीज़ का जो गैप है वो 50 कर सकते हो, 200 कर सकते हो, नज़दीक दूर पुट साइड कॉल साइड जो भी आप चाहो वो साइड कर सकते हो। बट ये इनिशियली एक आइडिया के लिए ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी हमने यहाँ फॉर्म की हुई है। सो बेसिकली आपको ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी जब भी आपको रेंज बाउंड या तो लेस बुलिश मार्केट दिखता है या तो आप देखते हो तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। जब भी आप बियरिश मार्केट देखते हो तो वो टाइम पे भी आप ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी कर सकते हो। बुलिश मार्केट के अंदर आप पुट साइड ये स्ट्रेटेजी कर सकते हो। हम दूसरी स्ट्रेटेजी की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो कि हमने रेशियो स्प्रेड के अंदर बात की हुई थी। एक्सपायरी के दिन हम बैंक निफ्टी के अंदर 40,500 की एक कॉल बाय कर रहा है जो कि अराउंड 30 रुपीज़ पे मिल रही है और 41,000 की कॉल जो कि 18 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड होती है वो हम दो बेचने वाले हैं। सो ऑलमोस्ट 6 रुपीज़ का यहाँ हमको नेट क्रेडिट मिल जाता है। हमको बैंक निफ्टी के अंदर 4 या तो 5 रुपीज़ 500 की गैप पे जब भी नेट क्रेडिट मिलता है वो टाइम पे भी आपको ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है। यहाँ आपको मार्जिन लगेगा 1,25,000 का, तो आप ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी 4 लॉट में एवरी वीक अप्लाई कर सकते हो। और कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको ये आपकी फेवर के अंदर मूवमेंट आती है तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है 12,000 का और प्रोबेबिलिटी 96% ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के अंदर प्रॉफिट मिलने की है। तो आपको मैं 12,000 के लिए वेट नहीं करने का सलाह दूंगा। आप 3,000, 4,000 या तो 5,000 का जो भी प्रॉफिट आपको दिखता है आप स्पेयर अप करके ये स्ट्रेटेजी से एग्जिट हो जाओ। सो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी इसी स्ट्रेटेजी फॉर्म करते हो तो आपकी फेवर के अंदर जब भी मूवमेंट आती है कॉल आपने ये अराउंड 12 बजे अराउंड के टाइम पे ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी फॉर्म की है तो आपको अराउंड 2:30 बजे के पहले मूवमेंट आ जाती है तो आपको 4,000 या तो 5,000 पर लॉट ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी से ईजिली मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड स्ट्रेटेजी जो कि बुल और बियर स्प्रेड की है। जहाँ हमने 18,200 का कॉल सेल बाय किया हुआ है, 18,100 की कॉल सेल की हुई है। सो दोनों का जो बीच का गैप है अराउंड 30 रुपीज़ का वो हमने यहाँ
ये जो टाइम वैल्यू लिया हुआ है सेम वे पुट में 17900 की पुट सेल की हुए, 17800 की पुट बाय की हुए, सो बेसिकली अराउंड 37-38 रुपीज़ का यहाँ हमने नेट नेट गेन मिला है। सो हमारा यहाँ पर डे थीटा वैल्यू आप देखते हो तो 30 रुपीज़ का पर डे थीटा वैल्यू आ रही है, वेगा वैल्यू -134 है। सो बेसिकली जहाँ आपको डेली बेसिस पे 30-30 रुपीज़ का एक दिन का गेन मिल सकता है, यहाँ आप देख सकते हो कि अराउंड बेसिकली ऐसे आप 10 लॉट के अंदर काम करते हो तो आपको नियरली 36,000 का यहाँ बेनिफिट मिलेगा और यहाँ आपको मैक्सिमम लॉस रहेगा 1300 के अराउंड। सो बेसिकली जैसे आप ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी फॉर्म करते हो तो आपको एक रेंज मिल जाता है 17800 से लेके 18200 के बीच, जब एक्सपायरी आती है तो आपको यहाँ नेट नेट प्लस में आप कमाई कर सकते हो। सो कहने का मतलब ये है कि आप ट्रायल एंड एरर की मदद से आप ये पर्टिकुलर जो रेंज है उसको वाइड भी कर सकते हो। यहाँ आप 18400 का कॉल बाय करके 18300 की कॉल सेल करते हो, यहाँ 17500 का कॉल बाय करके 17600 की पुट सेल कर सकते हो। सो बेसिकली आप अलग अलग कॉम्बिनेशन यहाँ ट्राई कर सकते हो। आज के दिन हम बुल और बियर स्प्रेड एक बहुत बहुत बड़ी मात्रा में हम यूज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर अच्छी स्ट्रेटेजी के फॉर्म के अंदर हम देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें तो यहाँ हम कैलेंडर स्प्रेड लिया हुआ है, करंट एक्सपायरी का हमने कॉल सेल किया हुआ है जो कि 11 नवंबर के एक्सपायरी 27 रुपीज़ का कॉल सेल किया है। 18 नवंबर सेम स्ट्राइक 18200 का 78 रुपीज़ का हमने यहाँ कॉल बाय किया हुआ है। सो बेसिकली यहाँ आपको एस्टिमेटेड मार्जिन लगेगा 20,000 का। सो आप 25 लोट में ये पर्टिकुलर काम कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी है 40% की, मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा 4,500 का, लॉस रहेगा 2,500 का। यहाँ हमने आपको ग्रीक की मदद से यहाँ जो हमने रिस्क के बारे में बात किया हुआ था, हमारा मेन कंसर्न है थीटा वैल्यू पर डे 100 रुपीज़ पर लोट का। अब हम समझो 20 लोट में काम करते हैं तो हमारा पर डे का 2000 रुपीज़ का एक थीटा गेन करने का मौका मिल जाता है। बट वेगा वैल्यू जो कि VIX वोलाटिलिटी जब भी डिक्रीज हो जाती है तो पर 1% डिक्रीज होने पे हमको 550 रुपीस का लॉस लग रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा वेगा लॉस हम बोल सकते हैं। सो बेसिकली जब भी कोई इवेंट के बाद आप काम करते हो तो ये स्ट्रेटेजी में आपको अप्लाई नहीं करना है। पर्टिकुलर ये स्ट्रेटेजी आप जब भी मार्केट एक साइडवेज या तो एक लो वोलाटिलिटी पे काम करता है या तो VIX जब भी डाउन है वो टाइम पे आप ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो, या तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट के बाद जब भी VIX अबाउ 25 हो जाता है तो वो टाइम पे आपको ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ वेगा के डाउन होने का चांस बहुत बड़ा हो जाता है। सो बेसिकली हम कोला स्ट्रेटेजी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिन शेयर होल्डर के पास अंडरलाइंग शेयर्स पड़े हैं वो ही कोलार एडोप्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली आपके पास आज 5 अलग अलग स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस की हुई। आपको कोई भी स्ट्रेटेजी के अंदर इन डिटेल स्टडी करना है या तो आपको ज़रूरत है तो आप मुझे मेल या तो कमेंट करके भी पूछ सकते हो। हम इन फ्यूचर आपको कोई भी एक स्ट्रेटेजी के अंदर इन डिटेल वीडियो की ज़रूरत है तो हम वो भी करने का प्रयास करेंगे। अब हम नेक्स्ट एक्सपायरी के पहले यानी एक या दो वीक के बाद हम अगेन एक वंडरफुल स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, जहां हमको एक लॉस प्रीडिफाइंड रहेगा और प्रॉफिट मार्जिन लॉस से 2x हो जाएगा और वो स्ट्रेटेजी एकदम सेफ है, वो भी आप बड़ी लेवल पे आप काम कर सकते हो। आपको ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी करने के लिए या तो ऑप्शन लिक्विड ऑप्शन चूज करना है, आपको वॉट स्ट्राइक चूज नहीं करना है, यानी आपको 100 का जो स्ट्राइक गैप है वो स्ट्राइक में ही आपको काम करना है। लिक्विडिटी का कोई इश्यू नहीं है इंडेक्स के ऑप्शंस के अंदर। सो बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर आप यह स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो और आशा करता हूँ कि आपको ये पर्टिकुलर 5 अलग अलग स्ट्रेटेजी के अंदर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और आने वाले टाइम में हम अगेन और भी डिस्कशन करेंगे। आप ये पर्टिकुलर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे।